बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाहल करार दिया था। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई अपील वापस लेकर लाहौर हाईकोर्ट में केस चलाना चाहते हैं और महफूज फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर अहम शख्सियात के ज्वाले अकाउंट्स बनाने का इंकशाफ। जॉन बिक्स के नाम से अकाउंट बनाया गया मगर तस्वीर जॉन बुश की लगाई गई। अतातारड़ की जानिब से यह कहा गया है जाले अकाउंट्स के 2300 फॉलोअर्स में से 1700 पीटीआई के अकाउंट्स निकले। जॉन बुश के नाम पर जाली तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा करना पीटीआई का वतीरा है। अतातारड़ मजीद क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज़ के अंदर, और आज अगर जोसेफ गोबेल्स ज़िंदा होता तो वो शर्मा जाता और कोई पता नहीं कि वो हिजरत करके पाकिस्तान आता। जोसेफ गोबेल्स अगर ज़िंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करता और इनके हाथ पे बैत करता और कहता मुझे तो आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं तो कर ही कुछ नहीं सका प्रोपेगेंडा के लिए। जिस स्पीड से आपने प्रोपेगेंडा झूठ और बोतान तराशी को परवान चढ़ाया है, ये फ़न कोई तरीके इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिटाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। जॉन बर्किस के नाम से एक अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट जॉन बर्किस। तस्वीर लगाई जेंस बुश की जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं बतौर कंसल्टेंट, और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेंस बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे 20, वो 20 के 20 पीटीआई के थे 100%। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से, अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया। एक सियासी जमात तरीके इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। ये गुफ्तगु तो आप सुन चुके हैं, हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा किस प्लेटफॉर्म पर ये अकाउंट थे और किस तरीके से इनको यूज किया जा रहा था। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ताउल्लाह तारड़ की जानिब से डॉक्यूमेंट्स के साथ और शवाहिद सामने रखते हुए उन्होंने ये वाजे किया और इल्ज़ामात आयद किए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जाली जो है वो अकाउंट्स बनाकर अपने प्रोपेगेंडा को जो है वो उरूज पर पहुंचाने के इकदाम कर रहे थे। ताउल्लाह तारड़ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जॉन बर्किस के नाम से जो पीटीआई का अकाउंट बनाया गया, इसके साथ साथ हमने दीगर अकाउंट्स का भी जायजा लिया तो लगभग एक बड़ी तादाद यानी वो 1700 से 2300 के अकाउंट्स का जो है वो दावा कर रहे हैं कि एक जाली अकाउंटों की है जिससे पीटीआई का प्रोपेगेंडा जो है वो उसे किया जाता है पीटीआई के प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और मुल्क और रियासत के खिलाफ जो है वो इन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। उनका ये कहना है कि ये अकाउंट्स माजी में बनाए गए जिसमें उन्होंने बैरून मुल्क से इसको ऑपरेट किया जाता था और खास तौर पे जाली अकाउंट्स बनाकर जो उन्होंने करप्शन पर पूल बनाया गया जिसमें इमरान खान का नाम डाला ही नहीं गया। वो ये कहते हैं कि झूठे पूल की रवायत न्याजी ने ही शुरू की थी और इसकी अब तमाम हकीकत सामने चली आती जा रही। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सामने रखे फिर अकाउंट्स के सामने रखे जो कि एक्सपर्ट बनाए गए थे और उसमें बताया गया कि किस तरीके से सोशल मीडिया को सहारा लेकर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश की गई और पीटीआई ने अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पे इकदाम किए। इसके साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अकाउंट्स भी सामने रखे जिसमें जॉन बुश के नाम पर जो जाली तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसके हवाले से भी उन्होंने हकायक सामने रखे। फिर यह भी बताया गया कि जिस तरीके से ट्रायल से बचने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया। हसन, आप साथ ही रहेगा इस में पाकिस्तान पार्टी से फिर दोस्त शिकाबान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिर दोस्त साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अतातारड़ साहब की जो मीडिया टॉक थी वो भी आपने सुनी होगी, 1700 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जाली अकाउंट्स हैं किसी और के नाम से बनाए गए और उनका ये कहना है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो
हुआ कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पे ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पे तशख्स वकार मजरू करने की एक मजमूम साजिश की गई, कोशिश की गई, इन अकाउंट्स के सामने आने पे एक तो कौम के सामने वो हकीकत आयां हो गई कि जो नाम नेहाद वीडियोस और अपनी मकबूलियत के ढोल बजाने वाले और ऐसी मुल्क दुश्मन रियासत के मुखालिफ एजेंडा और पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करके जो दुनिया के सामने पाकिस्तान की जगह साई करने की कोशिश की गई, इस तरह के अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे कौमी तहफ्फुज़ के इदारे थे उनको जिस तरह से दुनिया के सामने उनके वकार को मजरू करने का जो अमल बार बार दोहराया गया, इस इन अकाउंट्स के बेनकाब होने से वो चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं। वो सियासत के नाम पे जो रियासत को जख्म दिए जा रहे थे वो भी आज जो है वो अवाम के और कौम के सामने आ गए हैं। इन अकाउंट्स के बेनकाब होने के बाद, इन तक एक्सेस होने के बाद जो पाकिस्तान और रियासत मुखालफ लीडरान थे, जो टीम थी, जो सियासी जमात का पस पर्दा एजेंडा था, वो भी अवाम के सामने यहाँ हो गया। अब एक ही बात है कि ये जाली पॉपुलैरिटी लेके जो नर्सरी उगाई गई, जो जहर बोया गया, जो कांटे जो थे पाकिस्तान के वजूद को जख्मी करने के लिए इन अकाउंट्स के जरिए बखेरे गए, ठीक है, यानी कि ये चीजें सामने आ चुकी हैं। राजा खालिद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस साहब आप साथ ही रहिएगा। राजा खालिद साहब बताइएगा, जिस तरह से अता तारर साहब ये बात कह रहे हैं कि फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं और फेक अकाउंट्स बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चलें एक तो जिस शख्स का फेक अकाउंट बनाया गया है वो अगर एक्स पर बनाया गया है तो वो खुद उसको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हद तक इस तरह से हो रहा है, लीगल इसके पहलू क्या क्या हैं आपकी नजर में? राजा खालिद साहब आप सुनवा रहे हैं? राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। फिरदौस आशिक अबान साहब आपकी जानिब दोबारा से आऊंगा। देखिए, इनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लगता है कि उनकी आवाज अब उस तरीके से सुनी नहीं जा रही जिस तरह से सुनी जानी चाहिए या जिस तरह से बाकी पार्टीज की सुनी जा रही है, तो इस तरह की सूरत में अगर वो कोई इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं जो कि है तो इलीगल, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस तरीके से वो अपनी आवाज फैला सकें, आम आवाम तक अपनी बात पहुंचा सकें, तो आपकी नजर में ये गलत कैसे है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि ये जाली अकाउंट्स जो हैं वो बैरूनी इमदाद की वो शक्ल है जिसे जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया और मुल्की मफाद को सियासी मफाद पे तकवीयत नहीं दी जा सकती या फोकियत नहीं दी जा सकती। ये मुल्क है तो हम है, ये रियासत है तो हम सबका वजूद है। जो लोग आज ठीक है, यकीनी तौर पर ये मुल्क है तो हम सब का वजूद है। फिरदौस आशिक अवान साहब आप साथ ही रहेगा, राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी नज़र में ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं इनके लीगल पहलू क्या हैं? कि इसके दो पहलू हैं, एक तो इसका कॉग्निजेंस एफआईए भी ले सकती है, अगर कोई फेक आईडी है, कोई फ्रॉड है, कोई इम्परसोनेशन है कि किसी दूसरे की जगह या किसी का नाम इस्तेमाल करके तो आप आईडी बनाते हैं फेक आईडी, तो ये इम्परसोनेशन भी है। और जो हमारा पीका है, प्रिवेंशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसका जो उसमें भी इसकी जो सजा वजा की गई है वो 50 मिलियन और 5 साल, यानी 5 साल की जेल है और 50 मिलियन फाइन है इसका। तो कॉग्निजेंस एफआईए ले सकती है, फेसबुक को लिखा जा सकता है, तो एफआईए इज कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस अगेंस्ट दीज फ्रॉडुलेंट्स, के जिन्होंने इस तरह की फेक आईडीज बना के पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया, उनके खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया। ये एक नहीं बल्कि कई सौ बल्कि हजारों में इस तरह की फेक आईडीज बनाई गई हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते रहे,
और नौजवानों को प्रोवोक करते रहे, उन्हें गुमराह करते रहे। यानी कि एफआईए खुद भी इसका नोटिस ले सकती है पीका के तहत। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिर दो साक्षी कवान साहब हमारे साथ मौजूद थी और हसन खालिद डिप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई का मामला, जस्टिस एजाज़ुल्हसन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा हसीम मलिक से। जी हसीम, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई का ये मामला है, जिसके अंदर जस्टिस एजाज़ुल्हसन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बतौर मेंबर शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दी गई है। और मियां दाऊद एडवोकेट हैं जिनके जरिए ये आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फरीक बनाया गया है, और आईनी दरख्वास्त के साथ साबिक सी सी पी ओ गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे के मुकम्मल ऑर्डर भी मुंसलिक की गई है। आईनी दरखास्त के साथ जो है ये भी जुडिशियल काउंसिल में जो जस्टिस एजाज़ुल्हसन पर एतराज़ात की दरख्वास्त भी मुंसलिक की गई है, जबकि जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके अंदर मौकिफ अख्तियार किया गया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ करप्शन और मिसकंडक्ट का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जेर समात है, और साहिल की शिकायत पर जुडिशियल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरा शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर चुकी है, और शोकाज नोटिस में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से तीन ऑडियो लीक्स की बाबत सुप्रीम कोर्ट में जमानत से मुतालिक अहम फैसला सुनाया गया, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? ये जमानत से मुतालिक फैसला जारी किया गया है जो कि जस्टिस अथर मिनल्ला की जानिब से ये फैसला 6 सफात पर मुश्तमिल है जो कि जारी किया गया है, और जो फैसला किया गया है उसके अंदर जाब्ता फौजदारी कानून के तहत अगर ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल ना हो तो मुलजिम को जमानत का हक जो है वो हकदार ठहराया है, और फैसले में ये भी कहा गया है कि जिन कानूनी वजूहत की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त खारिज हो उन्हीं वजूहत की बुनियाद बनाकर दोबारा जमानत नहीं दी जा सकती, और ना ही अगर किसी ग्राउंड पर अदालत में दी गई जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी जाए तो उसी ग्राउंड पर दोबारा जमानत की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर जमानत दी जा सकती है फैसले में ये कहा गया है, जबकि अदालत ने कत्ल के वाक्य में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद उस्मान को 2 लाख रुपए के जमानती मचलकों के इवज जमानत। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाली दुकानें सील करने का हुक्म, अदालत का टोरेंटन मार्केट नाले की सफाई का भी हुक्म, आइंदा सुबात पर वासा LDS समेत इदारों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में टोरेंटन मार्केट की सफाई न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त हुई। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताएगा क्या रिमार्क्स दिए अदालत ने? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से केस की समाअत की है। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया था कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने बगैर लाइसेंस पालतू जानवरों और परिंदों का कारोबार करने वाली दुकानें सील करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने टोलंटन मार्केट नाले की सफाई के भी अहकाम जारी कर दिए, और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हदायत की कि टोलंटन मार्केट के जो सदर हैं उनको भी फ्रीक बनाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने इज्जत फातमा की दरख्वास्त पर समाप्त की, दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद कैंप जेल समेत इलाके के मुकीनों को मुश्किल का सामना है और अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत ने दायर दरख्वास्त नहीं किया जा रहा। इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।